तो भाई जनरल ताको का एक्सपीरियंस आज बनाएंगे हम ड्राई फ्रूट की कतली, जो कि जन्माष्टमी आने वाली है तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से बना करके तैयार करें। बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो आप लोग हमें यकीन है हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो इस जन्माष्टमी पर आप लोग ज़रूर बना कर तैयार करें। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं यम्मी सी रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और देख कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, दानेदार मज़ेदार। तो आप लोग कुछ ही सामान से बना करके तैयार करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी यम्मी सी रेसिपी। गैस जन्माष्टमी स्पेशल कतली बनाने के चाहिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ ले लिए हमने किशमिश, बादाम, अखरोट और काजू, और ये लिए खरबूजे के बीज, और यहाँ ले लिए हम जो कद्दू होता है ना उसके बीज हैं पम्पकिन के। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हैं, जो नहीं है आप स्किप कर सकते, ज़रूरी नहीं है सारे ड्राई फ्रूट हों आपके पास। तो यहाँ आधा ले लिया हमने गोला तोड़ करके, तो इसको भी हम कद्दूकस करेंगे छोटे वाले कद्दूकस से, इससे करेंगे हम बारीक वाले से। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे दर दरा पीस सकते हैं इसका ब्राउन पार्ट हटा करके। तो कुछ इस तरीके से हमने कद्दूकस करके ले लिया है, आधा लिया हमने ये, थोड़ा सा नारियल हमने इस तरीके से ले लिया है लंबा कट करके। तो अब कर लेंगे हम गैस ड्राई फ्रूट को फ्राई। तो यहाँ रखेंगे हम कढ़ाई अपनी, तो इसमें एक टेबल स्पून हम ऐड करेंगे घी। तो यहाँ हम पहले करेंगे ड्राई फ्रूट अपनी, ये मतलब किशमिश को फ्राई। तो यहाँ हम गैस मीडियम फ्लेम पर ही उन्हें फ्राई करेंगे, जैसे ये फूलने लगे ना वैसे ये निकालने के बहुत जल्दी सकती हैं। तो ये सिक चुके हैं, अब ये सारे ड्राई फ्रूट हैं इनको भी ऐड कर देंगे। तो लो फ्लेम पर ही हमें करना है, हाई पे नहीं करेंगे, हाई पे जल्दी जल जाएंगे वरना क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम हल्के से फ्राई करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ गैस हमारे ड्राई फ्रूट हो गए हैं फ्राई, तो इनको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर हो गया है इनका और क्रिस्पी भी अच्छे हो गए हैं। तो उसी कढ़ाई में गैस हम एक बार मखाने को फ्राई करेंगे। तो ये हमारे मखाने भी फ्राई हो गए, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो अपना नारियल को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर ही। तो ये हमारा नारियल भी हो गया फ्राई, तो ये भी हम निकाल लेंगे। तो गैस ड्राई फ्रूट हमने सारे फ्राई कर लिए थे, तो ठंडे हो गए हैं। तो अभी का हम दरदरा एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे इसी जार में इस तरीके से ऐड करके। तो यहाँ देखिए गैस इस तरीके से हमें दरदरा पीसना है। तो उसी सेम जार में गैस हम मखाना को पीस दरदरा कूटेंगे। तो हमारे मखाने भी पीस के तैयार हैं, तो इनको भी हम निकालेंगे उसी बाउल में। तो गैस हमारे सारे ड्राई फ्रूट पीस करके तैयार हैं इस तरीके से, हमें दरदरा दरदरा पीसा है कुछ इस तरीके से। तो बना लेंगे हम एक चाशनी। तो यहाँ रख दी हमने गैस अपनी कढ़ाई, तो इसमें एक बाउल हम ऐड करेंगे चीनी, चीनी लेंगे हम भर करके। तो इसी का हम आधा कटोरी लेंगे पानी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी मतलब क्वान्टिटी हिसाब से बढ़ा दें गैस। तो यहाँ गैस हमारी चाशनी में हल्का सा बॉयल आ गया है, तो इसे हम चिपचिपा होने तक पकाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है इस तरीके से चला के। तो यहाँ फ्लेवर के लिए हम ऐड कर देंगे इलायची, जो कि 5 इलायची को हमने कूट कर लिया है। तो देखिए यहाँ का इस तरीके से हो जाए चिपचिपी से, देखो ये इस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी से दिख रही है। तो इसमें ऐड कर देंगे अपना ये ड्राई फ्रूट पीस करके हम तैयार किए थे, तो इसे कर लेंगे हम मिक्स। नारियल का बुरादा, किशमिश, और गैस 4 स्पून लेंगे हम अपना मिल्क पाउडर, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, ऑप्शनल है ये।
क्योंकि मावा वाला फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें खाने के लिए। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए गाइस कतली हमारी कितनी अच्छे से हो गई है सेट, उसको इस तरीके से चाहिए हम। अब कर देंगे हम गैस को बंद। तो हमने यहाँ एक डिब्बा ले लिया इस तरीके से मिठाई का, तो हल्का सा घी से हम ग्रीस कर लिए हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बना के तैयार किया गया, तो इसे हम गर्म गर्म सेट करेंगे, तो नहीं ये जम जाएगा। तो इस तरीके से हल्का गर्मी गर्म करेंगे, तो इसे हम सेट कर देंगे पूरे डिब्बे फैला के। अब मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं गैस। तो वैसे हमारी थोड़ी सी जगह खाली बची है, तो इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये लिए हमने खरबूजे के बीज और कुछ और काजू बादाम दोनों लिए हमने गैस, और लेंगे हम कोकोनट का, ये लंबा पीस करके लिया है, इसको भी हमने हल्का से फ्राई कर लिया था। तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो हल्का सा इनको हम दबा देंगे जो अच्छे से सेट हो जाए। तो यह गैस एक मिनट हो गई है, तो एक मिनट के बाद हम इसमें एक छोटा सा मतलब कट लगा देंगे, जिससे कि बाद में हमारी दिक्कत ना हो काटने में। तो कुछ इस तरीके से क्योंकि गर्म हो जाती है देंगे, तो हल्के गुनगुने में ही, तक बाद में फिर हम पीस निकालेंगे। जब ठंडा हो जाए तो कटने में दिक्कत आती है, थोड़ा टाइट हो जाता है ये। तो यह गैस हमने कट लगा दिए हैं, तो यहाँ 15 मिनट हो गई है गैस। तो अब से पीस आपको निकाल के दिखाएंगे। तो देखो कितना अच्छा सेट हो गया है, आराम से निकल पा रही है। तो हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी बन के तैयार हुई है कतली। तो इस जन्माष्टमी पर आप लोग ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल आसान है, सिंपल। जो ड्राई फ्रूट आपके पास है उसी से बना करके तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है गैस। देखो देखिए बड़े आराम से निकल रही है, कुल 10 मिनट ही हुई हैं अभी हमें जमाए हुए। तो गैस हमारी बहुत ही बढ़िया सी अम्मी सी मिठाई बनके तैयार हुई है ये। तो देखिए ये थी आज की हमारी रेसिपी। तो कैसी लगी आपको, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें गैस। तो मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।